बर्थडे का दिन हर एक के लिए खास होता है। रात के 12 बजे से बधाइयाँ और केक काटने का सिलसिला शुरू हो जाता है और वो पूरे दिन लगभग चलता ही रहता है। आपको पता है कि बर्थडे पर मोमबत्तियों को फूंक मारकर बुझाने से शरीर को काफी हानि पहुंचती है। इस बात का खुलासा हाल ही में एक रिसर्च में किया गया है। क्लेमसन यूनिवर्सिटी के फूड एंड सेफ्टी प्रोफेसर पॉल डॉसन की रिसर्च ने बताया कि केक काटने से पहले मोमबत्तियों को जो फूंक मारकर बुझाने की प्रथा है, उसकी वजह से केक पर 1400% ज्यादा बैक्टीरिया आ जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि केक पर लगी मोमबत्तियों को बुझाते समय मुंह से निकलने वाली भाप या सांस में एक तरह का बायो एरोसोल होता है, जो कि केक में बैक्टीरिया को ले जाने का एक साधन बन जाता है। इस बात का खुलासा करने के लिए काफी रिसर्चर्स ने केक के बेस के ऊपर एक फॉइल की परत बिछाई और उस पर मोमबत्तियां लगाई और बाद में उन मोमबत्तियों को फूंक मार के बुझाया। ऐसा करने के बाद उन्होंने परत का एग्जामिन किया तो उस पर काफी ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया पाया गया। ऑस्ट्रियन नेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर काउंसलिंग ने इस समस्या को लेकर लोगों को काफी सचेत किया है। उनका कहना है कि कैंडल बुझाने के लिए जितनी बार फूंक मारी जाती है, बैक्टीरिया हवा के जरिए केक के ऊपर आके बैठ जाते हैं। ऐसे में बेहतर है कि कैंडल को बुझाने की परंपरा को या तो समाप्त कर देना चाहिए या फिर अपने हाथ से हवा करके कैंडल को बुझा लेना चाहिए और बाद में सेलिब्रेशन कर लेना चाहिए। जर्नल ऑफ फूड रिसर्च में प्रकाशित एक स्टडी के शोध अनुसार बर्थडे केक को फूंक मारकर बुझाने की परंपरा की शुरुआत के पीछे काफी अलग अलग मान्यताएं हैं। यह परंपरा प्राचीन ग्रीस में शुरू हुई, जिसके तहत केक पर जलती मोमबत्ती लगाकर हंट की देवी अर्टेमिस के मंदिर में ले जाया जाता था। वहीं दूसरी प्राचीन सभ्यता मानती है कि कैंडल बुझाने के बाद उससे निकलने वाला धुआं आपकी मन्नत और प्रार्थना को भगवान के पास ले जाता है। केक पर लगी कैंडल्स को बुझाने से पहले आप भी हर बार विश जरूर मांगते होंगे, लेकिन अब की बार अपने बर्थडे केक पर लगी कैंडल बुझाने से पहले आप अपनी अच्छी सेहत की भी विश जरूर मांग लें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता ही है कि फूंक मारने के बाद ये केक बैक्टीरियाओं से भर जाएगा। तो इसलिए जब भी आप किसी के बर्थडे पार्टी में जाएं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वहां पर जो केक है उसको फूंक मार के अगर बुझाया गया है तो उस केक को आप खाने से अवॉइड ही करें। और अगर कोई बीमार व्यक्ति कैंडल को फूंक मार के बुझा रहा है तो उस केक को आप बिल्कुल ना खाएं, वरना वो आपको बहुत बहुत ज्यादा बीमार कर देगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसे रोचक वीडियो लाते रहेंगे। हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट, शेयर, लाइक भी जरूर करें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।